अपनी योजना अनुसार जब चंद्रगुप्त भद्रसाल के समक्ष जाता है तब भद्रसाल के संशय के कारण उसे हाथापाई करनी पड़ती है। उधर दुर्धरा अपने पिता धनानंद को अपने युद्ध कौशल से प्रसन्न कर उनसे अपने ननिहाल सहाल जाने की अनुमति लेती है। उधर धनानंद के गुप्तचरों को भ्रमित करने के लिए चाणक्य अपने प्रतिरूप तैयार कर मगध के निकटतम प्रांतों में भेजता है और चंद्रगुप्त शशांक की सहायता से भद्रसाल के राजमहल में प्रवेश करता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? वाह, एक तो हमारे कक्ष में चोरी करने घुसा है, ऊपर से हमें ही चुप करवा रहे हो। वैसे तो कल हम तुम्हारा व्यवहार देख के समझ गए थे कि तुम कोई छोटे मोटे चोर ही होगे। तुम्हारी तो शक्ल पे ही लिखा हुआ है चोर। क्या चुराने आए हो? पूरा तो नहीं किंतु लगभग सही पहचाना तुमने। चोर तो हूं मैं किंतु छोटा मोटा नहीं, बहुत पहुंचा हुआ चोर। दुष्ट और अत्याचारी राजाओं की नींद पलक छपकते ही चुरा लेता हूं। दिख रहा है, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के उपरांत भी सभी सैनिकों को चकमा देकर तुम हमारे कक्ष के इतने करीब पहुंच गए, तो पहुंचे हुए तो हो गए। क्या चुराने आए? मैं चाहे जो भी चुराने आया हूं वो मेरे और भद्रसाल के बीच का मामला है, तुम क्यों बीच में पड़ती हो? भद्रसाल? तब तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम्हें जो कुछ चुराना है चुरा लो, हमें अत्यंत ही आनंद मिलेगा। ठीक है, फिर तुम अपनी राह चलो और मैं अपने राह चलता हूं। इतनी सरलता से नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, तुम जानते हो ना, यदि हम चिल्ला पड़े तो तुम्हें पकड़वा सकते हैं। तो पहले ये बताओ कि अपने आप को बचाने के लिए तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? देखो नखरे मत दिखा, जो भी है सीधा सीधा बोलो, क्या चाहती हो? भद्रसाल ने राजकुमारी को औपचारिकताओं की आड़ में जैसे बंदी सा बना रखा है, यहां तक कि हम राजकुमारी सहित स्वतंत्रता से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। हम महल से बाहर जाना चाहते हैं। कल जिस तरह तुमने हमारे सैनिकों को मार गिराया उसे देखकर हमें ये लगता है कि अगर ये कार्य कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। तो यदि तुम इस कार्य का वचन दो तो मैं चुप रहकर तुम्हें बचा सकती हूँ, अन्यथा चिल्लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मुझे क्षमा करो, मैं इस उलझन में नहीं पड़ना चाहती। तुम शायद भूल रहे हो, ये हमारी विनती नहीं आदेश है। आदेश मानो अन्यथा। तलवार है ये, कोई खिलौना नहीं है। जब तक इसे सही से प्रयोग में लेना ना आ जाए इससे नहीं खेलना चाहिए। बचाओ।
जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सुरक्षा कर्मी बता रहा था कोई महल में घुस आया है। हम लोग उधर देखते हैं, तब तक तुम लोग इन सभी कक्षों का एक एक करके सावधानी से निरीक्षण आरंभ कर दो। चलो। बचाओ! कोई है? कोई बचाओ हमें! तुम्हें तो देख लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। चलो यहां से, कोई नहीं यहां पे। अगर चुप रहने का वचन देती हो तभी मुंह खोलूंगा, बोलो। कैसे उपचट जंगली हो तुम, महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं इतना भी नहीं पता। हाँ, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हें भी ये सब नहीं पता, वरना ऐसी कौन सी भली महिला होगी तो जिस महल में रह रही हो उसी में चोरी करने के लिए चोर के साथ सौदेबाजी करे। देखो, मेरा प्रस्ताव तुम्हारे लिए अभी भी वही, सोच लो, मेरी शर्त मान लो, अन्यथा देख लो तुम्हारे चारों ओर कितने सारे सुरक्षा कर्मी हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें वो। सब सैनिक जा चुके हैं। जाओ उधर देखो। सब सैनिक जा चुके हैं। बोलो, है स्वीकार हमारा प्रस्ताव, हमें महल से बाहर ले जाओगे या फिर पुकारूं सैनिकों को? ये लड़की मुझे अपने काम के लिए प्रयोग में लाना चाहती है। ठीक है, कर देंगे जो ये कहती है, इससे मेरा काम भी तो सरलता से हो पाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, वचन दो। अच्छा बाबा, वचन दिया बस? तो इतनी सी बात कहने में इतनी देर क्यों लगा दी? पहले ही बता देते तो इतने बड़े झंझट से बच जाते ना। उच्च श्रेणी के मूर्ख हो तुम। क्षमा करो, चलो यहां से चलते। तुम इस वस्त्र कक्ष में क्या कर रही थी? सोने की चेष्टा कर रही थी। तुम रक्षकों ने इस महल को चीख चीख के गुंजा रखा है। अरे मुझे लगा कुछ क्षणों के लिए वस्त्र कक्ष में जाके सो जाती हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ भी आगे चिल्लाना। क्या बात कर रही हो तुम, नींद, वो भी वस्त्र कक्ष में? झूठ बोल रही हो तुम। क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो कि मैं मगध की राजकुमारी की विशेष दासी हूँ? अब भी जाके राजकुमारी को जगा के सब बता दूंगी, फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। अरे अरे, हम तो महल में घुसे चोर को खोज रहे थे, इतने में वस्त्र कक्ष से ध्वनि सुनाई दी, सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर देखने चले आए। अच्छा, तो तुम आधी रात को मेरे कक्ष में मुझे ये बताने आए हो कि मैं मगध की राजकुमारी की विशेष दासी अपने कक्ष में किसी चोर को छुपा रही थी?
धूर्त नीच, जाओ जाके देख लो मेरा वस्त्र कक्ष। किंतु एक बात सुन लो, मैं अभी जाके राजकुमारी को जगा के सब कुछ बताने वाली हूँ। राजकुमारी क्रोधित होके ये बात पहुंचा देगी महाराज धनानंद तक, और महाराज धनानंद तुम्हारे शरीर से तुम्हारा शीश कटवाने से पहले तुम्हारी आंखें नुचवाएंगे, तुम्हारी जीवा पे गरम गरम पानी डल पाएंगे और फिर कहेंगे तिगड़े धा। सोच लो तुम्हारी इच्छा, आओ देखो मेरा वस्त्र कक्ष, आओ। अरे 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 छोड़िए ना आप, इतनी छोटी सी बात को लेकर राजकुमारी और मगध पति को क्यों तंग किया जाए? भूल हो गई हमसे? इतनी महत्वपूर्ण दासी होकर आप इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी क्रोधित क्यों हो रही हैं? क्षमा कर दीजिए मुझे। सुनो, शुभ रात्रि की संतान, बाहर जाके अपने सभी भाई बंधुओं को कह देना कि मेरे कक्ष के सामने कोई शोर ना मचाए, वरना मैं सबका किरधाम करा दूं, समझे? जाओ। बाहर आ जाओ। तलवार चलाना भले ही ना आए, किंतु जिह्वा चलाने में तुम एकदम पारंगत हो। अच्छा हुआ समय रहते मैंने तुमसे समझौता कर लिया। पहली बार समझदारी की बात बोली है तुमने। अब जाओ, जो चुराना है चुरा लो, किंतु एक बात का ध्यान रहे, हमारे साथ कोई चाल नहीं, जो निश्चित हो चुका है वो करना पड़ेगा। और एक बात, चोरी करके चुपचाप भाग मत जाना, समझे? किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसका स्वर्ण नहीं, उसके नागरिक होते हैं, किंतु उसी राष्ट्र के निर्माण हेतु जनशक्ति और संसाधनों को जुटाने के लिए स्वर्ण निश्चित रूप से एक आवश्यक स्रोत होता है। आओ भद्र भट्ट। प्रणाम आचार्य। आचार्य, आपको सब कुछ यूं ही कैसे पता चल जाता है? ध्यान के भी कई स्तर होते हैं भद्र भट्ट। सहाल में क्या चल रहा है? आचार्य, वहां सहाल में सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही घटित हो रहा है। भद्रसाल सहाल से बाहर आकर आपको चारों ओर ढूंढ रहा है आचार्य, और चंद्रगुप्त ने स्वर्ण लूटने की योजना बना ली है। आचार्य, आपने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है, क्योंकि एक और अमात्य राक्षस और भद्रसाल आपको चारों ओर ढूंढ रहे हैं, और दूसरी ओर आप यहां इस जंगल में आनंद से ध्यानमग्न बैठे हैं। किंतु अब इस जंगल से बाहर निकलकर मुझे उन्हें एक और आश्चर्य देना है। एक और आश्चर्य? वो क्या आचार्य? मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी बात शत्रु से लड़कर उसे पराजित करने में नहीं, बड़ी बात उससे बिना लड़े उसकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में। उनकी सैन्य शक्ति में बिखराव आ चुका है, और इधर चंद्रगुप्त स्वर्ण लूटने के प्रयास में आगे बढ़ रहा है, किंतु अब हमें इस स्थिति से आगे आने वाली नई परिस्थिति की ओर सही कल्पना करके एक नई बात सोचनी है। जैसे शत्रु ने हमारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए अपने गुप्तचर हमारे बीच बिठाए थे, वैसे ही हमें भी उनके बीच समय पूर्व अपने गुप्तचर बिठाने होंगे जिन पर उन्हें संदेह ना हो। उनकी राज सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में हमारे लोग होने चाहिए। चलो।
अहिर्या जब तक वापस लौट कर नहीं आते, इस पर कड़ी दृष्टि रखना। वही निर्णय लेंगे कि इस विश्वासघाती के साथ क्या किया जाए। ये यहां से किसी भी मूल्य पर बचकर भागने ना पाए। हमारे पूरे अभियान के लिए आवश्यक है कि ये यहां बंदी बना रहे। जब से हमने इसे पकड़ा है आचार्य, इसने एक शब्द भी नहीं बोला। लगता है इसने अपने कबीले के साथ जो विश्वासघात किया है उसका इसे पश्चाताप हो रहा है। इसकी चिंता ना करें आचार्य, जो अपने कुकर्मों की लज्जा से मर चुका हो वो भागने का क्या प्रयास करेगा। अहिरी आते ही इसकी जीवा काटकर गिद्धों को खिला देगा। मुझे तो लगता है कि इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। खिड़की देख रहे हो, वो उसी कक्ष की खिड़की है जिस कक्ष में स्वर्ण रखा है। नीचे से तो ऊपर नहीं जा सकते, किंतु उस ऊपर वाली खिड़की से इस पिछले कक्ष की खिड़की तक तो आ ही सकते हैं। अपनी आंखें खुली रखेंगे। अभी अभी एक रक्षक ने किसी आकृति को महल में प्रवेश करते देखा है। महल के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी है मैंने। जो भी इस महल में घुसा है वो इस महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी से भी कोई छोटी सी भूल या त्रुटि हुई तो सामंत भद्रसाल जी उसका सर कटवाकर नगर द्वार पर टंगवा देंगे। जिसके लिए वो मारूत अभी अभी चिल्ला कर गया है ना, हमें लगता है वो हमारा चंद्रगुप्त है। वो महल में प्रवेश कर चुका है और जब तक हम और चंद्रगुप्त मिल ना ले इस बात का पता किसी को चलना नहीं चाहिए, समझे?
जाओ अपनी अपनी जगह पे जाओ। तुम्हें यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। भद्रसाल ने मुझे उस कक्ष के बाहर पहरे पर लगा रखा है जिस कक्ष में स्वर्ण है, और मुझे तो क्या लगता है भद्रसाल ने अपने सारे चुने हुए सैनिक उस कक्ष के बाहर पहरे पर लगा रखे। इतना पहरा होते हुए उस कक्ष में सीधे अंदर घुसना बहुत ही कठिन है। तो फिर कैसे प्रवेश करेंगे उस कक्ष में? हाँ, मेरे साथ। वो खिड़की देख रहे हो? वो उसी कक्ष की खिड़की है जिस कक्ष में स्वर्ण रखा है। उस कक्ष में केवल एक ही खिड़की है, परंतु इस खिड़की तक पहुंचना असंभव है क्योंकि खिड़की के नीचे बहुत गहरी खाई है। तो नीचे से तो उस खिड़की तक जाना संभव लगता है। मिल गया मार्ग। नीचे से तो ऊपर नहीं जा सकते, किंतु उस ऊपर वाली खिड़की से इस निचले कक्ष की खिड़की तक तो आ ही सकते हैं हम। असंभव चंद्रगुप्त, असंभव। वो जो ऊपर वाली खिड़की है वो राजकुमारी दुर्धरा के कक्ष की है। राजकुमारी दुर्धरा के कक्ष के बाहर भी कोई कम पहरा नहीं है, किसी को भी उसके कक्ष के बाहर भटकने की आज्ञा नहीं है। केवल राजकुमारी की अंतरंग दासी को ही उस कक्ष तक जाने की छूट है। क्या हुआ? मिल गया मार्ग। चलो। अरे चलो, देखते हैं। अरे देखो क्या हो रहा है। अब मैं देखता हूं तुम्हारी योजना कैसे पूर्ण होती है आचार्य। यहां कोई नहीं आएगा। वो तुमने दुर्धरा के कक्ष में प्रवेश की व्यवस्था की? व्यवस्था तो हो चुकी है, परंतु तुम्हें एक स्वांग रचना होगा। स्वांग? कैसा स्वांग? लो, पहन लो इसे। ये क्या है? तो महिलाओं के वस्त्र हैं। मैं ये सब नहीं पहनूंगा। लो, हमें तो लगा था कि तुम कोई साहसी वीर योद्धा हो जो किसी चुनौती से नहीं डरते, परंतु तुम तो एक साधारण सी वेशभूषा से डरते। तुम्हें जो बोलना है बोल लो, किंतु मैं ये सब नहीं पहनूंगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। तुम्हें डाका नहीं डालना है तो मत डालो, किंतु जो वचन तुम मुझे दे चुके हो उसे याद रखना। जैसे ही तुम्हें महल से बाहर निकलने का मार्ग पता चल जाएगा मुझे सूचित कर देना, और फिर राजकुमारी सहित हमें ले जाना। बस, बात समाप्त। रुको। अच्छा ठीक है,
मैं ये वस्त्र पहन लूंगा। एक साधारण सी बात समझने में इतनी देर लगती है तुम। अच्छा ठीक है, वस्त्र लाओ। अब क्या उधर मुंह करो, मुझे वस्त्र बदलने। क्यों, हमारे सामने वस्त्र बदलने में लज्जा आती है? तुम उधर करो, कहा ना उधर करो। रुक जाओ, मुझे इसका चेहरा देखना है। भी क्या लज्जा, चलो बाहर आओ। चलो चलो, ओहो कितनी सुंदर लग रही हो, ईश्वर तुम्हें बुरी नजर से बचाए। चलो बस एक बार मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, देख लूंगा तुझे भी तासी की बच्ची। चलो एक बात कहें तुमसे, अब वैसे भी हमारी बात सुनने के अलावा और कोई विकल्प तो है नहीं तुम्हारे पास, तो चुपचाप सुनी लो। हम सोच रहे थे कि अगर तुम अपनी शूर वीरता से थक जाओ ना, तो इस कार्य के लिए भी प्रयास कर सकते हो। अरे बहुत अच्छी दासी बनोगी तुम। अब काम तो काम ही होता है ना, बहुत जचोगे तुम। मिला वो चोर। चाहे शत्रु स्वदेशी हो या विदेशी, अखंड भारत के निर्माण के लिए तुम शत्रु हंता बनो। राजकुमारी के कक्ष के बाहर तो काफी सारे सैनिक खड़े हैं। तो फिर अब क्या करें हम? मुझे कुछ सोचने दो।
रुको। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये भीतर नहीं जा सकती। ये एक अंगमर्द की है। राजकुमारी के अंगमर्दन के लिए इसे भद्रसाल ने भेजा है। कोई आपत्ति है तुम्हें? हमें तो किसी अंगमर्दिका की कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा, तो यदि भद्रसाल को राजकुमारी के लिए कोई उपहार भेजना हो तो पहले तुम रक्षकों की आज्ञा लेनी पड़ती है क्या? तुम यदि इतने ही बुद्धिमान हो तो सहाल का राजकाज तुम ही क्यों नहीं संभाल लेते? आने दो भद्रसाल को, इस बात की पूरी सूचना हम उन तक पहुंचा देंगे। अरे, इतनी छोटी सी बात को कहां से कहां तक ले जा रही हो? इसे भीतर ही ले जाना चाहती हो ना, तो ले जाओ। बस इसे बोलो एक बार अपना घूंघट हटाकर हमें अपना चेहरा दिखा दे, फिर चली जाए भीतर। अब ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? मैं सुरक्षा अधिकारी हूं, इतना ही तो कह रहा हूं। बस दिखा दे एक बार अपना चेहरा और चली जाए भीतर। ये घूंघट नहीं हटा सकती क्योंकि ये वनवासी कबीले की है। वनवासी औरतें तो घूंघट करती ही नहीं। वनवासियों में भी 50 कबीले होते हैं और जिस कबीले की ये है उस कबीले में महिलाओं का चेहरा ही सब कुछ होता है उनके लिए। ये तो नई बात बता रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नियम होते हैं अपने अपने कबीलों के। इसके कबीले में यदि कोई महिला मर भी जाए ना तो भी किसी पर पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाती। समझ गए बुद्धिमान व्यक्ति? हद होती इतनी बहस। अब हमें अंदर जाने दो वरना भद्रसाल को सब कुछ बता देंगे। चलो रुको। दासी होकर मुझ सुरक्षा अधिकारी की छोटी सी बात तक नहीं मान सकती। दिखाओ इसका चेहरा हमें, दिखाओ। हम कुछ समझे नहीं सुरक्षा अधिकारी जी। आप हमसे ये सब यूं ही कह रहे हैं या फिर ये आपका आदेश है? मुझे इसका चेहरा देखना है बस। बस मुरली, बस चुप हो जा। अरे अरे मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। बस बस, देखा रुला दिया ना बेचारी को। कहा था तुमसे इनका नियम है, नियम है, परंतु तुम लोग बस चुप। इन सुरक्षा अधिकारियों में बुद्धि होती कहां है? अब कौन संभालेगा इसे? मांगली सुन तो, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छी बुद्धि पाई है तुमने। हाँ हम जानते हैं। चले? हाँ तो चलो, हमने कौन सा मना किया है। बढ़िए, देखिए मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। बाबा चल। राजकुमारी क्या कर रही है? चोर की सहायता कर रही है। महाराज को पता चल गया तो कितने क्रोधित होंगे वे, और उन्हें ये पता चल गया कि हमने भी आपकी सहायता की है
हमें तो मौत डालेंगे। मीका तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो भद्रसाल की चोरी करने आया पिताश्री की नहीं? और वैसे भी हमारे पिताश्री का नाम धनानंद है, उन्हें सिर्फ अपने धन की चिंता रहती है, किसी और की नहीं। और अगर भद्रसाल ने उनसे शिकायत कर भी दी तो हम उनके सामने जाके मुस्कुरा देंगे, वो के धाम हो जाएंगे। राजकुमारी आप इस चोर से संभल के रहिएगा, हमें तो बड़ा खूंखार लग रहा है। मीका तुम्हें जितना कहा गया उतना करो, इसे हम संभाल लेंगे। अब जाओ और हमारे आनंद में भंग मत डालो। जाओ भद्रसाल ने हमारे लिए अंगमर्द की भिजवाई है, किंतु बिना थकान अंगमर्दन का क्या आनंद, इसलिए पहले हम टहल टहल के थकना चाहते हैं। इसलिए आप सब आइए हमारे साथ। जो आज्ञा। लो, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया, अब तुम्हें जो चुराना है चुराओ और हमें महल से बाहर ले जाओ। सुनो, अपना वचन याद रख, हमसे कोई चाल नहीं। और अगर तुम चोरी करके चुपचाप भाग गए तो पाताल से भी ढूंढकर तुम्हें भद्रसाल को सौंप देंगे। छल, छल वो भी आपसे, आप जो इतनी चतुर हैं, इतनी समझदार हैं, आपसे कोई कैसे छल कर सकता है भला? आप तो इतनी गुणी, इतनी विचारशील हैं। चलो, देर से ही सही, परंतु तुम्हें समझ तो आया कि हम हैं क्या। थोड़ी बहुत बुद्धि तो तुम में भी है। मुझे यहां तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। विदा। संभल के चंद्रगुप्त, एक छोटी सी भूल अखंड भारत के सपने को खंड खंड कर सकती है। मां, मेरी सहायता करना।
जाने अंदर क्या चल रहा है, पर एक बात तो निश्चित है, चंद्रगुप्त अंदर है और वो अपना कार्य कर रहा है। जब तक उसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता, मुझे बाहर मोर्चा संभाले रहना है। ए, सुनो, सब जैसे हैं वैसे ही खड़े रहेंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं, ठीक है? शुंभा 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 ये तुम्हारा पहला चरण है चंद्रगुप्त, अखंड भारत के लिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए, मेरी प्रतिज्ञा के लिए, धनानंद के अत्याचारी शासन के अंत के लिए। इसलिए कोई भूल नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी एक भूल उन सबको भंग कर देगी जिन सबको आज तक तुमने वचन दिए। इसी स्वर्ण से तुम्हें सेना के लिए सैनिक, उनके लिए शस्त्र और भोजन की व्यवस्था करनी। आचार्य, जैसे अर्जुन की दृष्टि चिड़िया की आंख पर थी, वैसे ही मेरी दृष्टि भी केवल इस स्वर्ण पर है। और मेरी जानकारियां बताती हैं कि भद्रसाल एक वीर योद्धा तो है ही, अपितु हर कार्य के लिए तीन विकल्प सोचकर रखता है। वो बाहर से जितना जैसा है, भीतर से किंचित मात्र भी वैसा नहीं है। उसके मन में सदैव धूर्तता भरी चालें चलती रहती है। क्या तुम लोगों ने कोई ध्वनि सुनी? कैसी ध्वनि? कौन सी ध्वनि? हम लोगों ने यहां कोई ध्वनि नहीं सुनी। कोई ध्वनि सुनी? ये देखिए, हमने कोई ध्वनि नहीं सुनी, परंतु हम लोगों ने कक्ष के अंदर से आती हुई ध्वनि सुनी। मैं सत्य कह रहा हूं, हमने कोई ध्वनि नहीं सुनी। या तो फिर हम कोई सपना देख रहे हैं, या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो जो कक्ष में छिपा है। बंदी बनाओ इन्हें। आचार्य के संदेश में तो यही लिखा था कि स्वर्ण साल में है। अफसर स्वयं आ रहा है, चल हो जाए तैयार वार करने के लिए। मणि सांप के पास होती है और सांप बिल से निकलने ही वाला है। किंतु आचार्य ने यह क्या लिखा है? मणि सदा सांप के पास होती है और सांप बिल से निकलने वाला है। इसका अर्थ है शशांक कि स्वर्ण लूटने का उपयुक्त समय आ गया है। अब जबकि भद्रसाल यहां महल से दूर है, हमें आज रात ही महल में घुसना होगा। अब समझा, आचार्य ने तो संदेश में यही सूचना दी थी, मैंने ही संदेश को समझने में भूल की। वे तो ये कहना चाहते थे कि मणि सदैव सांप के पास होती है, अर्थात स्वर्ण सदा भद्रसाल के पास ही होगा और सांप बस बिल से निकलने ही वाला है, इसलिए लूटने के लिए तैयार है ना।